Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Faisal Rahman and I'm principal of Al Rahman Institute of Computer Science, Dhaka. अच्छा, आज हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले करेंगे फंक्शन ऑफ माउस और उसके बाद नोटपैड के कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले माउस के फंक्शन करते हैं. माउस के फंक्शन बेसिकली आठ हैं. सबसे पहले आ जाता है राइट क्लिक. राइट क्लिक किसी भी चीज़ को ओपन करें तो उसकी प्रॉपर्टीज ड्रॉप डाउन लिस्ट, जैसे कि ये वीडियो है जूम की, मैंने राइट क्लिक किया उसके उसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट उससे रिलेटेड चीज़ें ओपन हो गई. इसी तरह राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, जो आर्म क्लिक होता है उसको लेफ्ट क्लिक कहते हैं, ठीक है. इसी तरह सिंगल क्लिक, सिंगल आर्म जो एक दफा क्लिक करने को सिंगल क्लिक कहते हैं. तेजी से डबल क्लिक करें तो इसको कहते हैं डबल क्लिक. तेजी से डबल क्लिक करेंगे तो आउटपुट आ जाएगा जो भी, जिस तरह ये देखें एक पिक्चर थी आ गई है, ठीक है. अगर फर्ज करें इसको मैंने रीनेम करना है तो ट्राई क्लिक करूँगा, ठीक है. ये देखें मैंने एक दफ़ा ऐसा से क्लिक किया, तीन दफ़ा ट्राई क्लिक आ गया. इधर से मैं रीनेम कर सकता हूँ इसको. इसी तरह ड्रैग एंड ड्रॉप, जिस तरह ये देखें ये माई कंप्यूटर है, इसको पकड़ के ये देखें घसीट रहा हूँ, इसको कहते हैं ड्रैग. छोड़ूंगा ड्रॉप, ड्रैग ड्रॉप, क्लियर. उसके बाद आ जाता है स्क्रोल. ठीक है, जैसे कि मैं इधर कोई भी पेज खोल लेता हूँ, कवर पेज खोल लेता हूँ कोई भी. ठीक है, अब ये देखिए माउस से इसको स्क्रोल से माउस के मिड में जो डिब्बा है उसको स्क्रोल कहते हैं. ये देखें ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है. माउस के जो मिड में स्क्रोल होता है उसको घुमाने से ये देखें अप डाउन कर सकते हैं पेज को. नेक्स्ट स्पेशल सिलेक्शन, ये देखें जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट किया, अब जैसे ही दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा पिछली सिलेक्शन खत्म हो जाएगी. अब मैं चाहता हूँ जिसको सिलेक्ट करूँ वो सिलेक्ट रहे, तो कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखूंगा, जिसको सिलेक्ट करना है उसके ऊपर सिंगल क्लिक करूंगा, ये देखें सिलेक्ट हो रहा है जिससे इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ. इसको कहते हैं स्पेशल सिलेक्शन. उसके बाद हम नोटपैड के फाइल मेन्यू के चार फंक्शन करेंगे. ठीक है, जिसमें न्यू, ओपन, सेव और सेव एज आएगा. सबसे पहले हम इधर कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ आई लव पाकिस्तान, ठीक है. अब इसको मैं सेव करना चाहता हूँ फाइल को, तो सबसे पहले अगर डायरेक्ट ऑप्शन को एक्सेस करनी है तो उसके लिए कंट्रोल यूज होता है, कंट्रोल एस. देखिए जैसे मैं कंट्रोल एस किया तो ये विंडो ओपन हो गई सेव वाली. इसको क्लोज करना, अभी मैंने ऐसे सेव नहीं किया है, इसको क्लोज करना तो एस्केप का बटन यहाँ से क्लोज कर सकते हैं. इसी तरह अगर मेन्यू से करना है तो जैसे मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा, ये देखें हर मेन्यू के एक एक वर्ड्स के नीचे लाइन आ रही है, ये इसका शॉर्ट कीज है. जैसे कि मैं फाइल खोलना तो ऑल्ट एफ, एडिट खोलना ऑल्ट ई, फॉर्मेट खोलना ऑल्ट ओ, इसी तरह व्यू खोलना तो ऑल्ट वी, हेल्प खोलना ऑल्ट एच. अब मैं फाइल मेन्यू खोलना तो ऑल्ट एफ, डाउन एरो से सेव पे जाके एंटर कर देना, ये देखें सेव की ऑप्शन खुल गई है, क्लियर है. जो सिंपल तरीका है इसको खोलने का, वो फाइल सेव.
अब ये फाइल नेम है, एक्सटेंशन इसकी डॉट टीएक्सटी है, ठीक है। फाइल नेम है, इसके अंदर फर्ज करें किसी नाम से, फर्ज करें मैं इसको एहसन के नाम से सेव कर। तो अब बाज़ूकात बच्चे सेव कर लेते, उनको ये नहीं पता कहाँ सेव किया। तो पहले साइड पे आपने देखना कि आपने डॉक्यूमेंट में सेव करना है, डेस्कटॉप पे सेव करना है, डाउनलोड पे, या पिक्चर कहाँ सेव करना है। तो मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, इसको सेव किया। जैसे कि मैं मिनिमाइज करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए डेस्कटॉप पे एहसन की फाइल बन चुकी है। अब इसकी जगह मैं नई फाइल लानी है, तो पहला देखा कंट्रोल एस, सॉरी कंट्रोल एन, ये देखिए नई फाइल आ गई। दूसरा आल्ट एफ न्यू पे जाकर एंटर। तीसरा फाइल न्यू, इसी तरह ओपन करना है कंट्रोल ओ। दूसरा तरीका फाइल ओपन, ठीक है। ये देखिए एसन की फाइल को सिलेक्ट करना है और ओपन पे क्लिक करना है, खुल जाएगी। यानी कि न्यू होता है नई फाइल लेने के लिए, ओपन सेव शुदा फाइल को खोलने के लिए, सेव फाइल को महफूज कर। अब इसमें कुछ और ऐड कर लेता हूँ, आई लिव इन लाहौर, ठीक है। ये एक मैंने कोड लाइन जो है ना ऐड कर ली है। अब अगर इसको मैं सेव करूंगा तो चेंजिंग सेव जो है ना वो एसन की फाइल में हो जाएगी। मैं चाहता हूँ एसन की फाइल जैसी थी वैसे ही रहे, तो सेव एज का यूज कर लूंगा। सेव एज में मैं इधर एसन डीएस के लिख लेता हूँ, इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। अब देखिए जैसे मैं एसन की फाइल ओपन करूंगा उसमें उतने का उतना डाटा होगा, ये देखे उतने का उतना डाटा। अब एसन डीएसके की फाइल खोलता हूँ, उसमें ये देखें एक्स्ट्रा चेंजिंग में आ गई है। यानी कि सेव होता है फाइल को महफूज करना, और सेव एज होता है फाइल में तब्दीली करके उसे किसी और नाम से सेव करना। न्यू होता है नई फाइल लेने के लिए, ओपन सेव शुदा फाइल खोलने। आज के लिए इतना ही काफी है।